हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, भी छोटे बालों पे। तो कैसे करना है सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो देख के समझ में आ ही जाता है, हेयर स्टाइल भी कुछ ज्यादा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसा ही प्रॉपर आपको करना है, बट आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग, जो आपके फेस पे सूट करता हो उसके अकॉर्डिंग अपने हेयर स्टाइल को बनाना होता है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को इस तरीके से साइड पार्टीशन दे रही हूँ। अगर आपके बाल भी शॉर्ट हैं और इस तरीके से लेयर में कटे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा हेयर स्टाइल करे जो आपके सूट करेगा, तो आप सिंपली इस तरीके से बालों को लेना है और हल्का हल्का सा इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे बालों को। प्रॉपर एक लाइन में इस तरीके से हेयर को लेके जाना है। ओके, ट्विस्टिंग कर लेंगे एंड जो बॉबी क्लिप्स आता है उसको लेके आपको यहाँ पे सिंपली लगा लेना है। क्लिप्स लगाने का सही तरीका देखिए, सिंपली ऐसे नहीं लगाना है, इस तरीके से आपकी क्लिप्स दिखेंगी। आपको इस तरीके से हेयर को ट्विस्टिंग में अपने क्लिप्स को फंसा लेना है, देन जो आपकी ट्विस्टिंग है उसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देना है, जिससे कि आपका जो क्लिप है वो दिखाई ना दे और लुक भी काफी अच्छा आ जाता है। देखिए इस तरीके से आप लगाते हो तो आपकी ट्विस्टिंग से आपकी जो क्लिप है वो हाइड हो जाती है और लुक भी काफी अच्छा आ जाता है। बस इस तरीके से करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो आप सिंपली इस तरीके से, जैसे यहाँ के हमारे हेयर काफी शॉर्ट होते हैं हेयर फॉल की वजह से, तो यहाँ से एकदम स्टार्ट करना है, शुरू से ट्विस्टिंग करना और एंड तक आपको इस तरीके से लेके जाना है। ओके, एंड बॉबी क्लिप को यहाँ पे लगा देना है। दो तीन लेयर आपको इसी तरीके से बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो लेयर्स इस तरीके से बना ले रही हूँ, बाकी हेयर को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। और जो हमने पहले वाला क्लिप लगाया था उसको इस तरीके से क्रॉस कर देना है और सारे हेयर को आपको एक साइड में ले लेना है। एंड ये बहुत ही अच्छा सा लुक देता है, इसके साथ आप बड़ी बड़ी इयररिंग्स वगैरह ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लेयर्स निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल लो और दैट्स इट, आपका फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट है। कुर्ती के लिए बेस्ट रहेगा आप इस तरीके से कुर्ती पे ये वाला हेयर स्टाइल बना के मार्केट या फिर कोई भी फंक्शन वगैरह अटेंड कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा इसको खींच के लूज कर लेंगे तो ताकि जो हमारी ट्विस्टिंग है वो प्रॉपर दिखे। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, इसके साथ आप बड़ी बड़ी इयररिंग्स वगैरह डाल लीजिएगा तो आपका लुक कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको मिडिल से पार्टीशन करनी है, बीच की मांग निकाल लेनी है। बीच की मांग निकालने के बाद से इस तरीके से ईयर टू ईयर बालों की पार्टीशन करेंगे। ओके, और इसको सिंपली चोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल चोटी जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनानी है बस। अभी मत काटिएगा लो, मैं आ रही हूँ तब तक। ठीक है निशान एकदम प्रॉपर। ये चौड़ाई कितनी ली है? ठीक है काटिए, आगे वाला थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। सॉरी टू से गाइस, यहाँ पे मेरी स्टूडेंट्स काम कर रही है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब आपको इस तरीके से चोटी कर लेनी है। चोटी गूंथने के बाद से इसको मैं अपने इस तरीके से क्लिप लगा दो एक, ताकि ये खुल ना जाए। इसको थोड़ा थोड़ा सा लूज कर लेंगे ऐसे। तो ये मैंने इस तरीके से लूज कर लिया है और इसको क्लिप लगा के यहाँ पे इस साइड छोड़ देंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से आपको चोटी गूंथ लेनी है।
थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपल चोटी जैसे आप बनाते हो वैसे यहाँ पे इसको गूंथ ले रहे हैं। तो इस तरीके से मैं पूरा एंड तक इसको गूंथ ले रही हूँ। गूंथने के बाद आपको इसको भी थोड़ा थोड़ा सा लूज कर लेना है ऐसे खींच के। अब खींचने के बाद इन दोनों जो हमने चोटियां बनाई थी इसको बैक साइड में लेके जाएंगे और एक पतला वाला रबर बैंड ले लेंगे। नीचे के हेयर्स को अच्छे से नीचे की तरफ कर देंगे और रबर बैंड को लगा देंगे। रबर बैंड को लगाने के बाद से क्लिप्स को रिमूव कर लेंगे और ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। ये वाला हेयर स्टाइल आप साड़ी के साथ भी बना सकते हो एंड कुर्ती के लिए भी बेस्ट रहेगा। तो आज मैं कुर्ती के लिए बता रही हूँ, तो ये कुर्ती पे आप बना सकते हो। अगर आपने कुर्ती डाली हुई है या फिर पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए या फिर रबर बैंड को हाइट